अरे यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? वो इसलिए कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है आज, और हर साल 20 मार्च को 20 मार्च को ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए कि लोगों को जो दांतों की हेल्थ है खासकर, या हमारे गम्स जो है इसके बारे में, जिसका हम कभी ख्याल नहीं रखते, इसके बारे में आज पूरी दुनिया में लोगों को बताया जाता है कि ओरल हेल्थ जो है, अपने मुंह की जो सेहत है, मुंह के अंदर बाहर नहीं अंदर, कि इसका कैसे ख्याल रखना है। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि ये चीज़ हम लाइटली लेते हैं हमेशा। क्यों लाइटली लेते हैं? कि कई कभी सुबह ब्रश किया तो कर दिया, नहीं किया, नहीं फुर्सत मिली तो नहीं की। तो ये एक इतनी ज़रूरी है आज के वक्त में कि लोगों को मुँह का जो अंदर कैंसर हो रहा है, जिसकी वजह से करके हमारी आदतें जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मुंह में क्यों कैंसर हो रहा है? जैसे हम ये बाहर की चीज़ें, वो गुटके खाते हैं या और कोई चीज़, तंबाकू लेते हैं, ये चीज़ें जो हम लेते हैं, तो उसकी वजह से मुंह में कैंसर होता है। आज दुनिया में तीन ही कैंसर हैं, ओरल कैंसर जैसे हो गया, और क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर, ये तीन चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो ओरल कैंसर है ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ सुन के आगे लोगों को भी बताना है, और यहाँ से एक तरीके से रिसोर्स पर्सन जिसको हम कहते हैं, इनको मैं बता रहा हूँ, वो बन के जाना है। और ये जो है, ये जो दिन है, ये तकरीबन एक महीना पूरा ये प्रोग्राम चलेगा, पूरा महीना 20 मार्च से 20 अप्रैल तक ये चलेगा। इसमें करना क्या है, लोगों को समझाना है, भैया सुबह उठते ही ब्रश करना है, उसके बाद शाम को जब खाना खा के सोना है तो उससे पहले भी ब्रश करना है। देखो कभी हम आम तौर हमारे में क्या रिवाज है गांव में खासकर, कि जरी दर्द हुआ नहीं, गए पहले ज़माने में जैसे नाई के पास जाते थे, वो उखाड़ के बाहर फेंक देता था, वो नहीं आज के ज़माने में चलता। तो आजकल चलो इतना है, लोग दांतों वालों को ज़रूर दांतों के डॉक्टर को दिखाते हैं, या जो टेक्नीश होता है उसको ज़रूर दिखाते हैं, पर इतना है। लेकिन अभी भी ये रिवाज है कि कभी थोड़ा सा भी दर्द हो गया तो दांत को तो ये निकाल देते हैं, ये नहीं निकालना है। इतनी बड़ी उम्र होती है, 30 40 60 70 80 तक तो हम रहते ही हैं, तो उस पूरी उम्र में उन दांतों की उतनी हिफाजत करनी है जितना के बाकी जिस्म के लिए हम हिफाजत करते हैं। हमें पेट में दर्द होता है तो हम जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, हमें और कहीं दर्द, सर में दर्द होता है हम डॉक्टर को दिखाते हैं, हमें दांत में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, सीधा निकलवा के बाहर फेंक देते हैं। गलत है, इसको इन दांतों को बचाना है। यही हमारे दांत जो हैं, यही हमारे मुंह के अंदर की रौनक भी है, और हमारे खासकर इनकी वजह से ही हम देखे जाते हैं कि कितने हम अच्छे हैं, हमारे सेहत कितनी अच्छी है, ये भी एक तरीका है। तो इसमें आपने सुबह उठते शाम को सोते दो बार तो ब्रश करना ही करना है। बाकी ये जो गुटके हैं या जो तंबाकू लेते हैं ये मत लो, इसकी वजह से अमूमन कैंसर होता ही होता है। जो ये हुक्का पीते हैं इससे भी कैंसर होता है, सिगरेट पीती हो इससे भी कैंसर होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे बचना है, ताकि हमारे दांत जो हैं, अब दांत में क्या है, एक दो बीमारियां ये लगती हैं, जैसे हम डेंटल कैरीज जिसको ये कहते हैं, डेंटल कैरीज हो गया, डेंटल कैरीज जो हम कभी कभी ऐसा करते हैं, मीठा खाते हैं वो मुँह में ही रहता है, ना तो उसको हम कभी कुरली करते ना उसको साफ करते, वो उसी तरह सो जाते हैं, वो चीज़ अंदर रहती है, उसके ऊपर फिर जरासीम जो होते हैं वो आते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, उसकी वजह से करके वहाँ सुराख होता रहता है, और उसकी वजह से करके हमें जो है बाद में दांत निकालना ही पड़ता है। लेकिन आजकल के वक्त में दांत के लिए बहुत अच्छे इलाज हैं। जैसे किसी का दांत दर्द हो रहा है, पहले डॉक्टर उसको ऐसे देखेगा, अगर उसके बीच में कोई सुराख है, कोई कुछ है, फिर वो एक्सरे करते हैं, एक्सरे करके उसमें देखते हैं कि क्या ये दांत बच सकता है कि नहीं बच सकता। आज के वक्त में दांत को बचाना जरूरी है हर वक्त। हम गांव में उठा के उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, जब 30 साल का ही बंदा हो, 40 साल का होता हो, कि सारे दांत जो आधे निकल चुके होते हैं, ये आज से पहले। अब लोगों में यही अवेयरनेस लानी है कि ऐसा नहीं करना है,
दांतों की हिफाजत उतनी ही करनी है जितना कि देखो मैंने एक ऐसा बुजुर्ग भी देखा हुआ है जो 139 साल उम्र एज थी उसकी, उसके पूरे के पूरे दांत उसी तरह थे, पूरे दांत, कोई दांत नहीं निकाला। वो क्यों था? वो अमूमन क्या करते थे कि ये जो बाजार की ये ब्रश नहीं है,